मित्रों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे सुंदर पक्षी कौन है? नहीं जानते हैं तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से भारत का सबसे सुंदर पक्षी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, भारत का सबसे सुंदर पक्षी का नाम है कलिस फिजेंट। यह एक स्थानीय पक्षी है जो भारत में हिमालय के वनों में पाए जाते हैं। यह पक्षी आमतौर पर सदाबहार वन एवं पतझड़ वनों में, खास तौर पर हिमालय की तलहटी वाले वनों में पेड़ों के नीचे उगी हरी वनस्पति में रहते हैं। यह पक्षी जंगलों में पानी के आसपास की वनस्पति में रहना बेहद ही पसंद करते हैं। यह ज्यादातर समय पेड़ों में ही रहते हैं। यह एक आकर्षक पक्षी है जो अचानक ही जंगल में ध्यान आकर्षित करते हैं। मित्रों, इस पक्षी में नर मादा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो नर पक्षी के सिर पे सफेद पंखों की कलंगी होती है और इसके शरीर का ऊपरी रंग चमकीला काला जो बैंगनी नीली चमक देता है। इस पक्षी के ऊपर पिछले हिस्से छाती के सामने के पंख किनारे सफेद रंग के होते हैं। इसके पंख छोटे व गोलाई लिए होते हैं और इस पक्षी की पूंछ जंगली मुर्गे की तरह लंबी होती है। साथियों, पूंछ का रंग काला होता है। इसकी आंख के चारों तरफ गहरे लाल रंग का घेरा होता है और इस पक्षी की चोंच व पंजे स्लेटी और चमकीले कलर के होते हैं। मादा पक्षी के शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरा भूरा लाल रंग का होता है और पंख के किनारे सफेद रंग होते हैं। इसके सिर पे गहरे भूरे रंग के पंख का एक गुच्छा और एक कलंगी की तरह दिखता है और इस पक्षी के आंख के चारों ओर लाल रंग का घेरा होता है। मादा पक्षी की पूंछ नर पक्षी से छोटी होती है और यह पक्षी ज्यादातर अपना घोंसला जमीन पे ही बनाते हैं। साथियों, इन पक्षियों का मुख्य भोजन बीज, दाने, छोटे रसीले फल और कोमल पत्तियां, कीट व लार्वा खाना बेहद ही पसंद करता। यह पक्षी ज्यादातर समय जमीन पे ही रहना पसंद करते हैं और जमीन पे ही खाते हैं। यह पक्षी पंजों से पत्तों को हटाकर अपना भोजन की तलाश करते रहते हैं। गहरे जंगलों में यह शाम व सुबह के समय रास्ते के आसपास भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही ये डरते हैं तुरंत पास की गहरी वनस्पति में छुप जाते हैं। यह पेड़ों पे ही सवेरा करते हैं और शाम करते हैं और ज्यादातर यह पक्षी अपना बसेरा पेड़ पे ही करते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा।